दोस्तों आदर और आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं भरत कुमार डुलानी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं भूषण साइंस के यूट्यूब चैनल पर, विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। दोस्तों आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ आपके साथ आया हूं कि आसाम में SSUHS करके एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है पूरा श्रीमंत शंकरा देवी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। ये आसाम की BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है दोस्तों, और इसके द्वारा आसाम के BSc नर्सिंग एंट्रेंस के फॉर्म हो चुके हैं जारी। आप लोगों के लिए, आसाम वालों के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है दोस्तों। इसी से रिलेटेड मैं आज बनाने वाला हूं ये वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एग्जाम फॉर्म के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी इस फॉर्म को भरने के लिए, सारी बातें करूंगा दोस्तों। आसाम की SSUHS 2024 का जो एग्जाम होने वाला है, सबसे पहले अगर कोई चैनल पे नया है और वो आसाम के बारे में नहीं जानता है BSc नर्सिंग एंट्रेंस के बारे में, तो उसको बता दूं कि श्रीमंत शंकरा देवी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से ही आसाम की सारे कॉलेजेस, वो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, एफिलिएटेड हैं, और यही हमारी कंडक्टिंग बॉडी है आसाम के लिए दोस्तों। आसाम की दोस्तों एक वेबसाइट है SSUHS.ac.in, उस पर मैं आपको लेके चलता हूं। वहां पे आपका ब्रोशर भी डला हुआ है, आज ही डला है दोस्तों, इसलिए मैं सबसे पहले आपके सामने आया हूं वो ब्रोशर लेके। दोस्तों देखना, अपन चलते हैं आसाम की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप गूगल पे टाइप करेंगे SSUHS.in, अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे सीधा दोस्तों, गूगल पे आप टाइप कर सकते हैं सीधा SSUHS, तो आपको पहला लिंक मिलेगा श्रीमंत शंकरा देवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का, और यहीं पे आपको जाके दोस्तों फॉर्म फिल करना है, जो आसाम में बेहतरीन नर्सिंग कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों। अब जब आप इसको खोलोगे ना, तो आपको ऐसा एक इंटरफेस मिलेगा, श्रीमंत शंकरा देवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, देखो लिखा हुआ है आसाम, लिखा हुआ है क्या आसाम। अच्छा, यहां पे दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम का एक ऊपर में लिंक है, एंट्रेंस एग्जाम का ऊपर में क्या है, एक लिंक है। जब आप यहां पे जाएंगे तो यहां पे आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024, और नीचे लिखी है आपकी नोटिस एंड डिटेल्स एलिजिबिलिटी। इसी पे दोस्तों आज मैं डिटेल चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं दोस्तों। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा आपका इंफॉर्मेशन ब्रोशर। ये देखो खुल रहा है, टाइम लगता है भाई। ओके, ये देखो इसमें आपको बता रहा है दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फ्रॉम 9/5/2024 से 24/5/2024 तक दोस्तों, मतलब 9 मई से लेकर 24 मई तक आपके ऊपर, आपके इस वेबसाइट पे फॉर्म रहेंगे दोस्तों, आप यहां पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, अब क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या कहते हैं, एंट्रेंस टेस्ट कब होने वाला है दोस्तों? एंट्रेंस टेस्ट होने वाला आपका 9 जून को कहां गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, जोरहट, बरपेटा, तेजपुर, डीपू, ये सारे आपके सेंटर्स हैं दोस्तों, ये सारे आपके सेंटर्स हैं। मतलब दोस्तों इन्होंने 9 जून को भी एग्जाम डेट बता दिए, और एग्जाम के एक हफ्ता पहले 3 जून को आ जाएंगे दोस्तों एडमिट कार्ड। अच्छा, अब थोड़ी चर्चा करते हैं दोस्तों क्या क्या रहेगा। ये देखो ये ऑफिशियल है, इंफॉर्मेशन है दोस्तों, मैं कुछ आपके सामने इस वीडियो में कुछ अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूं, कुछ अपने हिसाब से पुराने एप्लीकेशन पुराने फॉर्म्स के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, जो इस डेट को आज डेट को एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन ब्रोशर पे आया है उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूं दोस्तों। आगे चलते हैं, सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम की डेट है 9 तारीख, एंट्रेंस एग्जाम की डेट है दोस्तों 9 तारीख, देखो 9 जून
24:11 से लेकर 1 बजे तक, मतलब दोस्तों होने वाला है 2 घंटे का, होने वाला है क्या पेपर 2 घंटे का। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा दोस्तों, लिखा हुआ है पूरा, 100 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप है, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, एमसीक्यू है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के दोस्तों। देखिएगा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शन में से 1 करेक्ट, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, और सोचने वाली बात है दोस्तों कि इंग्लिश भी होने वाला है आसाम में, इंग्लिश भी होने वाला है आसाम में। थर्ड पॉइंट, सिलेबस है आपका 10+2 स्टैंडर्ड का, मतलब 11th और 12th दोनों पूछेगा भाई, 11th और 12th दोनों पूछने वाला है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स बता रहा है कि फिजिक्स में 25 मार्क्स, केमिस्ट्री में 25 मार्क, बायोलॉजी, अच्छा जूलॉजी और बॉटनी दोनों रहेगा, बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी दोनों रहेगा 25 मार्क्स का, और इंग्लिश भी रहेगा 25 मार्क्स का। अच्छा, मेरिट बनाएंगे ये लोग ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच कैंडिडेट। अच्छा, अब दोस्तों थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपन क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के ऊपर। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है? क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 50% है, एससी एसटी ओबीसी के लिए 40% है, और अनरिजर्व्ड और पीडब्ल्यूडी के लिए कितना है? अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकली हैंडीकैप लोगों में, वो भी जो अनरिजर्व्ड में आते हैं उनका है 45%। ओके, अच्छा, एंट्रेंस एग्जाम की दोस्तों ये कंडक्टिंग सिटीज है गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, जोरघट, बरपेटा, तेजपुर, डिलपुर, डिफू, लखीमपुर, कोकरांजर, शिलोंग, ऐजवाल, ईटानगर, अगरतला, इंफाल, दीमापुर, गैंगटॉक। यहाँ इसके अलावा और कोई सेंटर्स नहीं है दोस्तों, इंफॉर्मेशन ब्रोशर में साफ साफ लिख दिया है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर में ये सारे सिटीज के अलावा और कोई एप्लीकेशन और कोई एंट्रेंस एग्जाम की सिटी नहीं है दोस्तों। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात के ऊपर चर्चा करें तो सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और उसने पास्ड, मस्ट हैव, कैंडिडेट यहाँ पे लिखा है मस्ट हैव पास्ड, अपियरिंग नहीं, पास्ड होना चाहिए हायर सेकेंडरी, मतलब आपकी 12th पास होनी चाहिए दोस्तों, आपकी 12th क्या होनी चाहिए? पास हो चुकी होनी चाहिए दोस्तों। अच्छा, कैंडिडेट 17 साल से 31 दिसंबर को 17 साल से नीचे का नहीं होना चाहिए, बीट बॉय और बीट गर्ल। ओके, और फीस के बारे में चर्चा करें दोस्तों तो ₹1500 आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए फीस है, और ₹1200 फीस है एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एमओबीसी एक्सेट्रा वालों के लिए। दोस्तों यह है पूरा आपका एंट्रेंस एग्जाम का आसाम का क्राइटेरिया। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि आसाम में ना थोड़ा सा एक चीज बता दूं एक्स्ट्रा, क्या आसाम में जो पेपर आता है ना, आसाम का जो पेपर आता है ना दोस्तों बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस का, वो बहुत ही ज्यादा टफ नहीं आता है एज कंपेयर टू बाकी स्टेट्स, क्योंकि आसाम में कॉलेजेस की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है जितनी बाकी कॉलेजेस में है। तो दोस्तों आसाम का जो भी निवासी है उसके लिए तो ये सुनहरा मौका है क्या कि भैया आसाम का फॉर्म बीएससी नर्सिंग का भर देना, और आजकल एमबीबीएस से ज्यादा नर्सिंग का क्रेज है दोस्तों। तो अगर आप नर्सिंग में अगर आप 4 साल प्रोफेशनल डिग्री ले लिए, उसके बाद आप अच्छी कोई गवर्नमेंट जॉब में नर्सिंग में ही दोस्तों लग सकते हैं दोस्तों। अच्छा, तो दोस्तों आशा करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहना हमारे भूषण साइंस के यूट्यूब चैनल के लिए। तब तक के लिए दोस्तों चलता हूं मैं, मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर दोस्तों।